गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन वृत्त पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसके संबंध में मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कमेटी के सचिव मनमोहन सिंह ने बताया, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने पिता की कुर्बानी दी थी तथा बाद में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा वंश कुर्बान कर दिया था। इस अवसर पर देवरिया सदर के विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कमेटी के सचिव मनमोहन सिंह ने कहा, स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ सरदार मनमोहन सिंह लाड़े जी का। महाराज जी के पावन प्रकाश पर आज की विचार गोष्ठी में उपाध्याय जी सरदार जसपाल सिंह जी, आप सभी का और यहाँ पर उपस्थित हुए सभी सज्जनों, आप सबका मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सरदार रजिंदर सिंह जी जगह से बेनती करूंगा कि वो प्रोफेसर कुलपति रजिंदर प्रसाद जी को जो आज के हमारे कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से शॉल भेंट करके सम्मानित करें। बोले सो निहार, बोले सो निहार। नवीन भल्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो सरदार जसपाल सिंह जी को सम्मानित करें। बोले सो मैं मनमोहन सिंह, सचिव गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर गोरखपुर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल सरमन सदानी पिता धन धन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश पर्व की खुशी में आज श्री गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा में साहिबे कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक अद्वितीय व्यक्ति इस विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जी, विधायक सदर देवरिया, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुलपति मगध विश्वविद्यालय, डॉक्टर सुषमा पांडे जी, डॉक्टर विनीता पाठक जी, पी के मल जी और अन्य विद्वान जो है साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन के बारे में अपने विचारों पर रोशनी डाल रहे हैं। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए, जिनका जन्म पटना साहिब में 9वें गुरु साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर में हुआ और जिन्होंने हिंदुत्व धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए पहले अपने पिता की कुर्बानी दी, बाद में अपना सर्वंश कुर्बान कर दिया। ऐसे धन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व की खुशी में आज की ये विचार गोष्ठी रखी गई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।